हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो इलेक्ट्रिक केटल रहता है या इलेक्ट्रिक वाटर हीटर होता है, जो रॉड टाइप होता है, वो अगर आप बहुत दिन तक यूज़ करते हैं तो उसमें इस तरह का वाटर मार्क आ जाता है, सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है इस तरह से। और इससे कैसे आप इजली रिमूव करें, और ये आपके वाटर हीटर का एफिशिएंसी कम कर देता है, और प्लस ये देखने में बहुत अजीब लगता है, और अगर इसे आप सही टाइम पे क्लीन नहीं करेंगे तो इसका जो एलिमेंट है वो भी डैमेज हो जाता है। तो इसे क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी तरह का अगर आपका इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर है, उसमें ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, वाटर मार्क इस तरह का जम जाता है। तो इसे कैसे रिमूव करना है ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। बहुत ईजिली आप रिमूव कर सकते हैं। हर एक इलेक्ट्रिक केटल में, वाटर हीटर में ये जमना स्टार्ट हो जाता है। ये अभी नया है तो साइड साइड में अब जस्ट थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है, तो इसमें भी आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर शुरू से ही अगर आप इसे क्लीन रखेंगे तो और इजली ये क्लीन हो जाता है। और इसमें तो उतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी इसे हम लोग जस्ट अभी क्लीन कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर डिपॉजिट हो जाता है तो फिर क्लीन करना डिफिकल्ट हो जाता है। बट इसमें हमको लगता है कभी भी क्लीन नहीं हुआ अभी तक, और इससे हम लोग क्लीन करेंगे। तो इसे क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड है वो है लेमन। आप लेमन का यूज़ कीजिए। मैंने मार्केट से वेस्ट लेमन ले लिया है और इसका हम लोग यूज़ करेंगे। ये बेस्ट होता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो सजेस्ट करते हैं एसिड का यूज़ करना। एसिड सही नहीं होता है, आपके एलिमेंट को भी डैमेज कर सकता है, आपके मेटल सरफेस को भी क्रोड कर सकता है। ये जो लेमन होता है इसमें साइट्रिक एसिड होता है, जो कि एक माइल्ड एसिड होता है। ये किसी भी चीज़ को डैमेज नहीं करता है, सिर्फ जो सिल्ट जमा है उसको ये रिमूव करता है बहुत ही सेफली, और किसी चीज़ को भी ये डैमेज नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं लेमन का यूज़ कर रहा हूँ। आप लेमन जूस को इसके अंदर डाल दीजिए और ये ओवरनाइट इसे आपको छोड़ देना है। ये खुद से जो भी डिपॉजिट है उसे रिमूव कर देगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 5 लेमन का यूज़ किया है और ये मुझे 10 रुपीज़ में मिला है मार्केट से। ये एक्चुअली डैमेज्ड है, ओल्ड है, तो मुझे चीप रेट में मिल गया है। तो इससे आप ले लीजिए और इसमें आपको पोर कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास एनअप जूस हो चुका है। ये अभी काम करना स्टार्ट कर दिया है, देख सकते हैं आप नीचे में, ये स्टार्ट कर दिया है। अभी 2-4 मिनट भी नहीं हुआ है और ये काम करना स्टार्ट कर दिया अपना। और यहाँ पे एक ब्रश के हेल्प से हम लोग इसको अच्छे से इस तरह से थोड़ा सा इसे मिक्स कर देंगे बीच बीच में, और इसके बाद इसमें हम लोग वाटर पोर कर देंगे। मैं इसमें तब तक वाटर पोर करूँगा जब तक कि इसका एलिमेंट कम्प्लीटली सबमर्ज ना हो जाए, तो इतना वाटर काफ़ी है। तो इसे हम लोग रात भर छोड़ देंगे ओवरनाइट, और बीच बीच में इसे हम लोग ब्रश से इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए अभी ये वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे जो साइड में देखिए, ये देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जैसे जैसे मैं इसे मिक्स कर रहा हूँ, ये देखिए ये बाहर आना स्टार्ट कर दिया है। देखिए ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अभी ये स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे ये क्लीन होने लगा है। ये देखिए तो ये बहुत अच्छा एक्ट करता है। साइट्रिक एसिड होता है और ये माइल्ड होता है, और बहुत अच्छे से ये क्लीन करता है। तो इसे अगर हम लोग रात भर छोड़ देंगे तो जो भी इसमें डिपॉजिट है वो बाहर आ जाएगा। तो इसे हम लोग मॉर्निंग को देखते हैं कि क्या इसका हाल हुआ है। और इस वाले इलेक्ट्रिक केटल में ज़्यादा सिल्ट डिपॉजिट नहीं है, बस थोड़ा बहुत अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये जो बचा हुआ लेमन है जिसका जूस हम लोग निकाल दिए, इसे अंदर रख देंगे और इसमें हम लोग वाटर पोर कर देंगे आराम से, और इसे भी रात भर हम लोग छोड़ देंगे और मॉर्निंग को देखते हैं कि क्या इसका इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये मोर देन 16 आवर्स से ऐसे ही है। मैंने 1-2 बार इसे हिलाया डुलाया था और मैंने हल्का सा ब्रश से इसको इस तरह से कर दिया था, और ये
अब हम लोग देखेंगे कि इसका ये कैसा कंडीशन है, इसमें क्या चेंजिंग आया है। तो जो ओल्ड लेमन है मैं हटा लेता हूँ इसमें से, अब इसका काम हो गया है। तो अब अगर आप अंदर में इसमें देखेंगे तो जो वाइट मार्क था वो कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है, कोई भी इसमें वाइट मार्क जो सिल्ट डिपॉजिट था वो अब इसमें नहीं है, कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है। हालांकि ये उतना ज़्यादा डर्टी नहीं था, बट फिर भी ये अब कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है। ये देखिए ये कम्प्लीटली क्लीन है, एज गुड एज न्यू, बहुत अच्छी तरह से ये क्लीन हो चुका है, कहीं पे कोई भी डिपॉजिट नहीं है। तो ये तो एक हुआ, और दूसरा हमारा ये था जो कि बहुत ज़्यादा डर्टी था। तो ये देखिए इसका कंडीशन आप देखेंगे तो यहाँ पे, इसे मैं हटा देता हूँ पहले। तो मैं इसके पानी को हटा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये जो भी सिल्ट था इसमें आ चुका है, सब कुछ हटा दिया है, बहुत क्लीन किया। और देखिए ये पानी का कलर कैसा हो गया है, ये देखिए। और ये देखिए ये ऑलमोस्ट इसे क्लीन कर दिया है। देखिए इसको थोड़ा सा मैं पानी डाल लेता हूँ इसमें और फिर देखते हैं। ये देखिए पूरा बहुत अच्छे से ये क्लीन हो चुका है। ये देखिए जो भी डिपॉजिट था सब कुछ क्लीन हो चुका है, और अब बेयर मेटल आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा शाइनी है। पहले बहुत ज़्यादा डर्टी था, येलोइश हो चुका था, बट अब आपको साफ साफ मेटल दिख रहा होगा। तो ये है फाइनल रिजल्ट, ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। और इसे मैं अच्छे से एक बार रिंस कर लेता हूँ, और रिंस करने के बाद इसे हम लोग देखेंगे कि ये कितना क्लीन हुआ है। एक बार फिर से मैं इसे अच्छे से रिंस कर लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे इसका कंडीशन। तो मैंने इसे पानी से धो दिया है, और धोने के बाद आप देख सकते हैं जितना भी डिपॉजिट था वो लाइम की वजह से सब कुछ हट चुका है। पहले कितना ज़्यादा डिपॉजिट था अब सब कुछ हट चुका है। थोड़ा बहुत अगर जो बचा भी है 1-2%, अगर इसे 5-6 घंटे और अगर हम लोग छोड़ देते तो वो भी निकल जाता। और रिंस करने के बाद भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है थोड़ा बहुत अगर डिपॉजिट है इसमें, तो आप फिर से वो जूस को, लेमन जूस को आप डाल दीजिए इसमें, और वो सब कुछ हटा देगा। अगर फ्रेश लाइम अगर डालना चाहते हैं तो वो आपका और ज़्यादा अच्छा काम करेगा इस तरह से। और दूसरा वाला भी, ये तो बहुत ज़्यादा क्लीन हो चुका है, यहाँ पे देखिए पूरा क्लीन हो चुका है। तो इसी तरह से आप इलेक्ट्रिक केटल, जो रॉड वाला वाटर हीटर होता है, उसे आप क्लीन कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ये बैक टू न्यू हो जाएगा। और ये जो डिपॉजिट जो जमा हो जाता है, एक तो वो देखने में सही नहीं लगता है, प्लस आपके जो हीटिंग रॉड का जो इफिशियंसी है उसे बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड कर देता है, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। प्लस अगर आप इसे नहीं क्लीन करेंगे सही टाइम पे, तो आपका ये जो एलिमेंट है उसे भी डैमेज कर देता है, हीट सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, हीट रैपिडली पानी तक नहीं ट्रांसफ़र हो पाता है, और ये जो एलिमेंट है एक्सेसिव हीट हो जाता है, इसके कारण इसके अंदर जो फिलामेंट रहता है वो मेल्ट कर जाता है। तो इसे क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे इसे आप बेस्ट पॉसिबल वे में क्लीन कर सकते मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और ये मेरा गारंटी है कि अगर आप ये मेथड यूज़ करेंगे, कितना भी बड़ा अगर लंप रहे, कितना भी मोटा डिपॉजिट रहे, वो आपका क्लीन कर ही देगा। सपोज आपने क्लीन किया तो वो 12 आवर्स में क्लीन नहीं हुआ, तो उसे आप फिर से 24 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए, वो क्लीन हो ही जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। बेस्ट पॉसिबल वे में ये क्लीन कर देगा आपका बिना किसी टेंशन के। और आप अगर डिटर्जेंट कुछ भी इसमें यूज़ करते हैं, सर्फ यूज़ करते हैं, तो एक तो वो डिटर्जेंट और सर्फ का स्मेल आ जाता है, प्लस आप कितना भी डिटर्जेंट और सर्फ का यूज़ करें, आप कुछ भी आप यूज़ करें वो उसे अच्छे से क्लीन नहीं कर पाएगा। बट ये जो लेमन ऐसा चीज़ है कि उसके अंदर साइट्रिक एसिड होता है, बहुत माइल्ड एसिड होता है,
और उसे हम लोग खाते भी हैं, इडेबल होता है, वो इसे बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। ये आप ट्राई कीजिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने ट्राई किया तो क्या रिजल्ट आपको मिला। जस्ट आप उसे क्लीन कीजिए, अगर सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिले तो उसे 12 घंटा 24 घंटा और छोड़ दीजिए, आपको वो धीरे धीरे करके क्लीन कर देगा। और बीच बीच में आप ब्रश से इसे हल्का हल्का रब कर दीजिएगा तो वो क्लीन हो जाता है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। आपके सामने है ये रिजल्ट, आप एक बार ट्राई कीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट टाइम आप भी अगर अपने इलेक्ट्रिक केटल को, वाटर हीटर को इस तरह से क्लीन करना चाहेंगे तो आप बहुत ही इजीली इसमें तरह से क्लीन कर पाएंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई इस तरह का होम रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।